कि आप भी एंड्रॉयड वाले बोरिंग इमोजीज को यूज़ कर करके थक चुके हो, तो आप भी कुछ इस तरीके के iOS वाले इमोजीज का यूज़ कर सकते हो, वो भी सिंपली 2 मिनट के वीडियो से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये ट्रिक कौन कौन से डिवाइस में वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाना है। जैसे आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आओगे, वैसे ही अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे MIUI ग्लोबल लिखा हुआ है, तो ये आपके फ़ोन में ट्रिक 101% वर्क करेगा। अगर किसी के डिवाइस में ये वर्क नहीं करता, जैसे कि वीवो का फ़ोन हो गया, ओप्पो का फ़ोन हो गया, तो वो कमेंट करो, उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। एंड चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये वाले इमोजीज अपने फ़ोन में अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए सिंपली आपको फ़ोन में एक यहाँ पे थीम का एप्लीकेशन दिया गया होगा, आपको सिंपली इस थीम वाले ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप इधर थीम वाले ऐप को ओपन कर लेते हो, वैसे ही आपके सामने ऊपर स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे एक फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा सबसे लास्ट में। आपको इस फॉन्ट वाले पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ऊपर एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इस सर्च बॉक्स पे आपको सर्च करना है iXOS, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, 60 अनऑफिशियल। आपको सिंपली ये सर्च करना है। जैसे आप ये सर्च करोगे, वैसे ही आपको एक फॉन्ट शो होगा सबसे टॉप पे, आपको इस फॉन्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन दिखेगा, एंड मेरे को अप्लाई हो रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो आपको डाउनलोड करके सिंपली इसको अप्लाई कर देना है। जैसे आप इसको अप्लाई कर देते हो, वैसे आपका यहाँ पे 50% काम हो चुका है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके फ़ोन में अगर यहाँ पे iOS वाले लेटेस्ट इमोजीज इंस्टॉल नहीं हुए हैं अगर आपके कीबोर्ड पे, जैसे कि आप मेरे कीबोर्ड पे देख सकते हो, मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने नई स्टोरी क्रिएट कर ली है, एंड मैं आपको कीबोर्ड पे आके अपना दिखाता हूँ कि देख सकते हो कि मेरे कीबोर्ड पे जो लेटेस्ट वाले इमोजीज हैं ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके कीबोर्ड पे ये वाले इमोजीज इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं, तो आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सिंपली उसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है। जैसे आप इधर अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आओगे, वैसे आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक एडिशनल सेटिंग दिख जाएगा। आपको सिंपली इधर एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इधर एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करते हो, वैसे आपके सामने एक यहाँ पे रीजन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपका यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट होगा, तो आपको इंडिया को हटाकर यहाँ पे म्यांमार सेलेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है। जैसे आप इतना काम कर देते हो, उसके बाद आपको इसको कट कर देना है। फिर आपको अपने प्ले स्टोर पर आना है। जैसे आप इधर अपने प्ले स्टोर पर आओगे, आपको यहाँ पर सर्च करना है जी बोर्ड, यहाँ पर जी की बोर्ड। जैसे आप सर्च करोगे, यहाँ पर मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरा आ गया जी की बोर्ड। फिर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है जी कीबोर्ड पे, एंड आपको एक बार इसको अनइंस्टॉल करके अपडेट कर लेना है। जैसे आप इसको यहाँ पे अनइंस्टॉल करोगे, अनइंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट करने को बोलेगा, आपको सिंपली इसको अपडेट कर लेना है। जैसे आप इसको अपडेट करोगे, आपका अपडेट यहाँ पे ये कंप्लीट होगा, वैसे ही आपके फ़ोन में भी वो लेटेस्ट वाले इमोजीज इंस्टॉल हो जाएंगे। जब तक मेरा अपडेट हो रहा है, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर लिया है। अपडेट करने के बाद मैं वापस अपने स्टोरी पे आता हूँ, एंड जैसे मैं अपने स्टोरी पे आता हूँ, एंड मैं अपने कीबोर्ड को यहाँ से चेक कर लेता हूँ यहाँ पे नो थैंक्स करके। एंड जैसे मैं इमोजीज वाले सेक्शन में आता हूँ, जैसे आप देख सकते हो कि जो लेटेस्ट वाले इमोजीज है वो यहाँ पे आ चुके हैं मेरे कीबोर्ड में, और ये बिल्कुल iOS की तरह वर्क करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट वाले हार्ट आए हैं वो सब भी मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरे कीबोर्ड में ये सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहता है, तो आप डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपका 101% रिप्लाई दूंगा एंड उसका सोल्यूशन दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।